हे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे किचन में, यानी कि राबिया के किचन में। मैं हूँ राबिया और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और लजीज इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी, और ये है वेज पनीर रोल। इसको आप सिर्फ इवनिंग स्नैक्स के तौर पे नहीं, आप इसको एज अ वेज स्टार्टर्स के तौर पे भी सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगती है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि इसको बनाते कैसे है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक चौथाई का बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च, एक बड़ा चम्मच मक्खन, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ताजी बारीक कटी हुई हरी धनिया, स्वाद अनुसार नमक, एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, दो छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, एक बड़ा चम्मच मैदा, 10 से 12 चीज स्टिक्स, ये मैंने जो प्रोसेस चीज होती है उसको ही इस तरह से फिंगर शेप्स में कट कर लिया है, 100 ग्राम ग्रेटेड पनीर और कुछ व्हाइट ब्रेड के स्लाइसेस। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं हमारे पनीर रोल की स्टफिंग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हमारा मक्खन, और जैसे ही हमारा मक्खन जो है बटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, और हमारे प्याज को अच्छी तरीके से भून लेंगे इस मक्खन में। हमें इसे बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना है या बहुत ज्यादा भूनना नहीं है। जैसे इसका कलर जो है वो हल्का सा गोल्डन हो जाएगा, इसका थोड़ा सा कच्चापन चला जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे भी हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो प्याज और अदरक लहसुन दोनों का कच्चापन जा चुका है, दोनों की महक जा चुकी है, तब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। और जैसे आपकी शिमला मिर्च सॉफ्ट हो जाएगी हम इसमें सारी जो सीजनिंग है वो ऐड कर लेंगे। जैसे सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इनको मीडियम आंच पे हम पका लेंगे। तो चलिए हमारे सारे जो मसाले इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, पक चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हमारा ग्रेट किया हुआ पनीर, और ध्यान रहे पनीर डालने के बाद हम सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ज्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि हमारा जो पनीर है वो ग्रेटेड है। अगर हम इसको ज्यादा पकाएंगे तो ये ज्यादा सॉगी हो जाएगा और बहुत ज्यादा फिर वो रबर वाला हो जाएगा। तो लगभग 1 मिनट हो चुका है, हमारा पनीर भी जो है वो अच्छी तरीके से पक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद में हम इसमें डालेंगे ताजी बारीक कटी हुई हरी धनिया, इसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सो गाइस, ये रेडी हो गई हमारी वेज पनीर रोल की पनीर वाली स्टफिंग। अब हम इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो चलिए जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम हमारे ब्रेड के स्लाइसेस को रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो नॉर्मल हमारे व्हाइट ब्रेड्स होते हैं मैंने वो लिया है, आप इसके जगह पे ब्राउन ब्रेड्स भी ले सकते हो, लेकिन व्हाइट ब्रेड में इसका ज्यादा टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और फिर मैं ले रही हूँ एक रोलिंग पिन यानी कि बेलन, और इसको लेके मैं बिल्कुल इसको फ्लैट यानी कि चपटा कर दूंगी कुछ इस तरह से। अच्छी तरीके से फ्लैट करने के बाद आप इसके जो साइड के एजेस है उसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो, मैंने जो साइड के एजेस है मैंने उसको कट कर लिया है। और इसी तरह से आप अपने सारे जो ब्रेड के स्लाइसेस है उसको रेडी कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो जो मेरे सारे ब्रेड स्लाइसेस है वो बिल्कुल रेडी है। तो अभी तक हमारी स्टफिंग जो है वो ठंडी हो ही रही है, तो जब तक ये ठंडी हो रही है हम हमारे मैदे का घोल भी बना लेते हैं। और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक बर्तन में लिया है 1 बड़ा चम्मच मैदा और 1 बड़ा चम्मच पानी। इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे कुछ इस तरह से। तो गाइस, हमारी स्टफिंग भी जो है वो लगभग ठंडी हो चुकी है और इसको हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आपको क्या क्या रेडी चाहिए इस वेज पनीर रोल को बनाने के लिए। हमारी स्टफिंग रेडी है, चीज स्टिक्स रेडी है, ब्रेड रेडी है, और हमारा जो मैदे का घोल है, पेस्ट है, वो भी रेडी है। तो चलिए देर किस बात की, अब हम बना लेते हैं इसके वेज पनीर रोल। तो रोल बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रेड को इस तरह से रख देंगे और हमारी जो स्टफिंग है उसको ब्रेड के कॉर्नर पे इस तरह से रख देंगे और स्पून की हेल्प से इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे। और फिर इसमें हम रखेंगे हमारी चीज स्टिक्स, और ध्यान रहे जो स्टफिंग है उसको बिल्कुल पूरी नहीं भरनी है, जो ब्रेड के कॉर्नर है, जो उसके एजेस है, उसको आपको खाली ही रखना है, ठीक है। तो आप इसे वीडियो में बताए गए तरीके से बिल्कुल अच्छी तरीके से रोल कर लेंगे और हमारे जो एजेस है उस पे जो हमारी मैदे के बना हुआ घोल है, पेस्ट है, उसको इस तरह से लगा देंगे। इसे अच्छे से स्टिक कर लेंगे और ये जो हमारे साइड के एजेस है उसमें भी ये घोल लगा देंगे, पेस्ट लगा देंगे, और इसको कुछ इस तरह से हम स्टिक कर लेंगे। और ये तैयार हो गई हमारी परफेक्ट से वेज पनीर रोल। तो इसी तरह से आप अपने सारे जो पनीर रोल्स है उसको तैयार कर लेंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पे सारे पनीर रोल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। एक पैन में आप बहुत अच्छी तरीके से तेल डाल देंगे, इतना डालें कि आपका जो पनीर रोल है वो अच्छी तरीके से डीप फ्राई हो सके। और जब आपका तेल जो है वो मीडियम हॉट हो जाए तो एक एक करके आपके ये जो रोल्स है उसको इस तेल में डालते जाए। अब इसे आप अच्छी तरीके से फ्राई कर लीजिए ताकि ये हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए और अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। तो देख सकते हो आप, इसका कलर भी परफेक्टली चेंज हो चुका है और बहुत ही क्रिस्प हो चुका है। तो ये हमारा जो पनीर रोल है वो रेडी है। इसको हम किचन टॉवल पे या टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे।
इसी तरह से आप अपने सारे पनीर रोल्स को फ्राई करके निकाल सकते हो। आप इसको एयर फ्राई में भी फ्राई कर सकते हो बिना ऑयल के, जैसी आपकी मर्जी, आप जैसे खाना पसंद करते हो वैसे कर सकते हो। तो ये फिलहाल हमारे जो वेज पनीर रोल्स है वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसे सर्व करें गर्मा गर्म ही, बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। ये हरी चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, टोमेटो केचप के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसको जरूर ट्राई करें। आप इसे सिर्फ स्नैक्स के तौर पर नहीं, स्टार्टर्स के तौर पर भी इसे सर्व कर सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगता है ये। तो रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसको जरूर ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस नीचे कॉमेंट बॉक्स में आके जरूर शेयर करें। और हाँ, आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करें, नोटिफिकेशन बेल को टिक करें और हमारी छोटी सी फैमिली राबिया का किचन का हिस्सा बन जाए, ताकि मैं जो भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके साथ में शेयर करूं तो आप सबसे पहले देखें। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ भी जरूर शेयर करें। मैं आपको मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में ऐसे बहुत सारी बढ़िया बढ़िया रेसिपीज के साथ में। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अभी के लिए बाय बाय गाइस।